साइंस क्लासेस बाय रंजीत कुमार में आप सभी का स्वागत है। यहाँ आप पढ़ने जा रहे हैं 12th क्लास बायोलॉजी। इसमें जो पहला चैप्टर है वो है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोगों ने कल पढ़ा था और साथ में हम लोगों ने जाना था कि रिप्रोडक्शन दो प्रकार के होते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ें आती हैं? इन दिस मैथड सिंगल इंडिविजुअल, जब कल जैसे हमने जाने थे कि सिंगल इंडिविजुअल इज कैपेबल फॉर प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग, यानी एक सिंगल पेरेंट्स ही काबिल होता है ऑफस्प्रिंग को पैदा करने के लिए। एज ए रिजल्ट द ऑफस्प्रिंग डैट आर प्रोड्यूस्ड आर नॉट ओनली इंडिकेट आइडेंटिकल टू वन अनदर बट आर ऑल्सो एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स। यानी कहने का मतलब ये है जिसमें जो इसमें जो बच्चे पैदा होते हैं वो एग्जैक्टली अपने पेरेंट्स की तरह ही कॉपी होते हैं, एकदम डुप्लीकेट होते हैं। आर दीज ऑफस्प्रिंग लाइक टू बी जेनेटिकली आइडेंटिकल और डिफरेंट? क्या वो मैंने जेनेटिकली डिफरेंट हो सकते हैं? नहीं, वो एकदम आइडेंटिकल होते हैं। तो हम एक वर्ड का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, वो है क्लोन। ये क्लोन होते हैं, क्लोन, ठीक है, एकदम टू कॉपी होते हैं। यू टू डिस्क्राइब मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स, ठीक है। यहाँ देखिए ये आपके सामने है, ये ईस्ट है, ईस्ट का बडिंग को दिखा रहा है, पेरेंट सेल किस तरह से थे, पेरेंट सेल हुआ और यहाँ से बडिंग हो करके ऊपर वाले सेक्शन में देखिए यह बड बन करके अलग हो रहा है। ऐसे से बड फॉर्मेशन से इसका सिंगल रिप्रोडक्शन होता है। फिर एमीबा में हम लोग देखेंगे एमीबा में किस तरह से होता है। यह एमीबा है, एमीबा सबसे ऊपर वाला पहले देखा जाए न्यूक्लियस है, यह अपना साइज इंक्रीज किया, फिर दो डॉटर्स में जो है ये फ्यूज़न कर लिया, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं आगे की तरफ। तो लेट सी हाउ वाइड स्पीड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अमॉन्ग डिफरेंट। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे डिफरेंट है फॉर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन अमॉन्ग सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में कॉमन है एंड इन प्लांट एंड एनिमल विच रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनिजम्स इन प्रोटिस्टा एंड मोनीरा। प्रोटिस्टाज और मोनीराज होते हैं, उनमें आपका इस तरह का रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। ऑर्गेनिज्म और द पेरेंट सेल डिवाइडेड बाय मीटोसिस। मीटोसिस प्रोसेस से ये दो भागों में बढ़ते हैं, टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल्स। दस इन दीज ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन इज इट्सेल्फ मेड ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी सेल डिवीजन से रिप्रोडक्शन होता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं इसी क्रम में। यहाँ पे कुछ आपके ड्राइंग्स बने हुए हैं, कुछ आप पहचानते भी होंगे, पीछे कई क्लासों में आपने पढ़ा होगा, याद होगा आपको। चलिए तो पहला जो स्ट्रक्चर आपने ऊपर देखा ये सामने आपका ए नंबर, यह जो स्ट्रक्चर है यह आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले ऑर्गेनिज्म में, यह जो सबसे फिगर पहला आपने देखा यह आपका लोड हो रहा है, थोड़ा लोड होने में समय लग रहा है। जू स्पोर्स ऑफ क्लेमिडोमस का है, क्लेमिडोमस का है। और बी नंबर देखेंगे हम लोग, बी नंबर ये फिगर रहा आपके सामने, ये है आपका कोनिडा, ठीक है, कोनिडा का दिखाया, कोनिडा ऑफ पेनिसिलियम का दिखा रहा है। फिर देखिए सी नंबर है बर्ड्स इन हाइड्रा, ये बर्ड्स इन हाइड्रा दिखा रहा है। ये देखिए बर्ड है, यहाँ साइड में इसके बर्ड है ना, ये बर्ड है, ठीक है, हाइड्रा का, ठीक है, ये माउथ है ऊपर। चलिए इसके बाद
टेक्निकल फॉल्ट बच गया। चलो देखिए, ये आपका डी नंबर देखेंगे हम लोग। डी नंबर है आपका जर, अभी लोड हो रहा है, इस फिगर को देखिए आप लोग, है ना। हाँ आ गया, ये आपका है जेमुलस इन स्पॉन्स, ठीक है, जेमुलस इन स्पॉन्स है, ठीक है। इससे आपने फिगर देखा, मैनी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फ्यूजन। हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे सिंगल सेल होते हैं जो बाइनरी फ्यूजन में डिवीजन करते हैं, वेयर ए सेल डिवाइड्स इनटू टू हाफ्स ईच रैपिडली ग्रो इनटू एन एडल्ट, यानी दो आधे में बदल करके जल्दी डेवलप होके ये एडल्ट हो जाते हैं। अमीबा पैरामीशियम इसके एग्जाम्पल्स हैं। इन ईस्ट द डिवीजन इज अनइक्वल एंड स्मॉल बर्ड्स आर प्रोड्यूस दैट रिमेन अटैच इनिशियली टू द पैरेंट सेल विच इवेंचुअली गेट्स स्प्रेडेड एंड मैच्योर इनटू न्यू ईस्ट। तो इस तरह से बर्ड के फॉर्मेशन आपने ईस्ट में देखा, वह फिर मैच्योर होकर के नया ईस्ट बन जाता है। अंडर अन फेवरेबल कंडीशन अमीबा विथड्रॉज इट्स पोस्पोडिया एंड सेक्रेट्स थ्री लेयर हार्ड कवरिंग और क्रिस्ट बना लेता है, यानी कि जब अनफेवरेबल कंडीशन जब अमीबा को मिलता है तो वो तीन लेयर कवर क्रिस्ट का बना लेता है अपने चारों तरफ। दिस फेनोमेना इसको हम लोग बोलते हैं इन्सायोस्टेशन, ठीक है। व्हेन फेवरेबल कंडीशन टर्न द इंसाइटेड अमीबा डिवाइड्स बाय मल्टीपल्स फ्यूजन, तो मल्टीपल फ्यूजन करना शुरू कर देता है, प्रोड्यूस मैनी मिन्यूट्स अमीबा और प्रोसोडोपोडियाज प्रिस्पोडियोस्पोरियस द क्रिस्ट वॉल ब्रस्ट। तो प्रिस्पोडिया कंडीशन में जो क्रिस्ट वॉल होता है ब्रस्ट कर देता है, स्पोर्स आर लिबरेटेड इन सराउंडिंग मीडियम ए टू ग्रो अप इन टू मैनी एमीबाज, बहुत सारे एमीबा में बदल जाता है। दिस फेनोमेना इज कॉल्ड एस्पोरुलेशन, इसको एस्पोरुलेशन कहते हैं, जिसमें जो क्रिस्ट होता है वो फट जाता है और बहुत सारे एक साथ जो पैदा हो जाते हैं उसको एस्पोरुलेशन कहते हैं, बहुत सारे ऑफिस में एक साथ पैदा हो जाते हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे, ये कुछ स्पेशल केसेस हैं, ये आप ध्यान दे रहे होंगे, इनके बारे में हम सभी पढ़ेंगे, है ना। इनमें कैसे रिप्रोडक्शन होता है, ये वेजिटेटिव पार्ट्स हैं, आपने नीचे कई क्लासों में पढ़ा हुआ है, वेजिटेटिव पार्ट्स से प्लांट के कैसे रिप्रोडक्शन होते हैं ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर नए बच्चे हैं तो इसके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नए वीडियो से अपडेट होते रहें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपको जो है ज्ञान बढ़ सके। कल हम लोग वेजिटेटिव प्रोपागेशन ऑफ प्लांट पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।